नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं। विभिन्न दल के जो किसान हैं वो आज पहुंचे हैं हजारों की संख्या में। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम हाउस से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। ये लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल के प्रेम नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न जिलों से जितने भी किसानों के संगठन हैं वो आज हरियाणा के करनाल में पहुंचे हैं। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं काफी जो किसान हैं वो आज करनाल जिले में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का जो निवास है उसका घेराव करने के लिए आज ये किसान यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। जो कृषि कानून है उसी के चलते आप ये देख सकते हैं एक भारी रोष प्रदर्शन यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी जो किसान है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर आप अवश्य कर दीजिएगा। करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी संख्या इन किसानों की देखी जा रही है। पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए करनाल की सड़कों पर देखे गए हैं और आज ये पहुँचे हैं मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर। और यहाँ पर जो है घेराव यहाँ पर जो है किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है उसे घेराव उसका घेराव यहाँ पर जो है किया जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी आप अवश्य कर दीजिएगा। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में आंदोलन देखने को मिला। उससे पहले अंबाला जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है आंदोलन देखने को मिला। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी संगठनों से जो किसान हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप ये देख सकते हैं परिवार वालों के लिए एक गहरा सदमा है। जब आपका लाल घर से जुदा हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आखिरकार दुख क्या होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदान करें इस दुख की घड़ी में। आपको हमको सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिल सके। आपको दोबारा से बताना चाहेंगे कि 35 वर्षीय युवक जो कि करनाल के समीप जुमला के जानी रोड पर ये लड़का रहता था, करनाल के ही एक गारमेंट शॉप पर ये लड़का काम करता था। पिछले काफ़ी दिनों से मनोरोग विशेषज्ञ के यहाँ जाता था, लड़के का इलाज चल रहा था, लड़के की मेडिसिन चल रही थी। अचानक से लड़का घर में छलांग लगा देता है और मौके पर ही लड़के की मौत हो जाती है। लड़के का नाम अश्विनी बताया जा रहा है जो कि करनाल वही दूसरी ओर जानी रोड पर लड़का रहता था। फिलहाल बहुत बड़ा दुख है परिवार को, क्योंकि जब आपका परिवार का लाल जब आपसे जुदा हो जाता है तो दुख क्या होता है परिवार वालों को पता चलता है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर तो करें ही करें, ईश्वर से दुआ भी करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि इस परिवार वालों के जितने भी सदस्य हैं उनको शक्ति मिले इस दुख की घड़ी में। आपको हमको सभी को यही प्रार्थना करनी चाहिए। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल 24। नहीं है कोई अलगाववादी नहीं है, अपनी आवाज को रखने के लिए यहाँ आया है। इसीलिए मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय की यानी सिक्योरिटी के साथियों से कह देना चाहता हूँ कि वो अपने मुख्यमंत्री और भी से निवास से मुख्यमंत्री महोदय यहाँ नहीं है तो उनके किसी प्रतिनिधि को जो हमारी ज्योति संगठनों की भारतीय समन्वय समिति के जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे बात करे, उनसे ज्ञापन लेने का काम करे। ये किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखेंगे। मैं एक जोरदार नारा लगाना चाहूंगा, सभी किसान साथी उस दौरे के नारा साथ लगाएं। उसके बाद 26 और 27 तारीख का प्रोग्राम आप सभी किसान साथियों को पता है कि जो पूरे देश में उनका आंदोलन होगा वो 26 और 27 तारीख को दिल्ली का घेराव होगा। कोई भी किसान साथी उस दिन अपना सारा काम धंधा छोड़ करके दिल्ली पहुंचने का काम करे। एक जोरदार नारे के साथ दोनों हाथ
बंद करके ये जो गुंडी भरी सरकार है कैप्टन साहब के कानों में यहाँ से जो पहले हमने तीन जगह प्रदर्शन कर चुके हैं वो तीनों के तीनों कोरोना महामारी का भावना लेकर के चले जाते हैं। पहले पिपरी में किया था उसने मुख्यमंत्री ने कोरोना का भावना ले लिया, उसके बाद जो हरियाणा का डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और उसके तारा दिनेशजी चौटाला उसके निवास के सामने 6 तारीख से हरियाणा का प्रदेश का किसान उसके दरवाजे पर बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरा दरवाजा किसानों के लिए खुला हुआ है, किसान उसको भरकर कड़ी कड़ी कौन से घूम तवा फिर रहा है, लेकिन वो जो किसानों का हितैषी होने का फोन करता है वो किसानों से दूर छुपे हुए फिरता है। हमने उचाना के क्षेत्र के अंदर भी उसके क्षेत्र के अंदर रानिया के क्षेत्र के अंदर हर जगह उसको ढूंढने का काम किया है। लंबा समय ना लूंगा, जोरदार दोनों मुखिया बंद करके जोरदार नारा लगाना किसान साथियों ने, किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान वीरियो। धन्यवाद किसान साथियों, अगले वक्त अपने विचार रखे के समक्ष रखेंगे। आप ये देख सकते हैं से आए हुए मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों और मेरी बहनों मजदूर बहनों, किसान बहनों, आज हम यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आवास के बाहर दस्तक देने आए। हम ये कोई बैरिकेड हिलाने नहीं आए, सिर्फ छूने आए हैं, क्योंकि ये जो पुलिस वाले साथी खड़े हैं ये भी किसान के बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें अगर गुस्सा है तो इन्हें जहाँ से आदेश आते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली से जहाँ से हुक्म आते हैं इनके सर, हम उनको चेतावनी देने के लिए आ जाए। आमतौर पे हम रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके आखिर में ज्ञापन देते हैं, एक अर्जी देते हैं, अनुरोध करते हैं, लेकिन आज हम कोई अर्जी नहीं देंगे, कोई अनुरोध नहीं करेंगे, कोई ज्ञापन नहीं देंगे। आज हरियाणा का किसान हुक्म सुनाने के लिए आया है, फरमान जारी करने के लिए आया है। जिंदाबाद। ये फरमान क्या है? हरियाणा का किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहने आया है, मुख्यमंत्री जी सुनो, आप सब ऊपर से नीचे तक जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, जनता के हुक्म से आप कुर्सी पे बैठते हो और जनता की मर्जी तक कुर्सी पे बैठोगे। और आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर आपको ये कहने आया है कि आपने इस देश के कर्णधार के साथ दगाबाजी की है, आपने धोखा किया है, क्योंकि इस देश को कौन बनाता है? मजदूर और किसान। हम कहते हैं कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बोले जोर से, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और वो जो भारत बनाने वाला मजदूर और किसान है उसके साथ आपने गद्दारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी। और गद्दारी क्या है कि केंद्र सरकार आज किसान पे 7-7 बंदियां लेके आई है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7-7 बंदियां लेके आई है, गिन लेना। पहली बंदी मंडी बंदी, ये मंडी छप्पर है किसान के सर के ऊपर, छप्पर लीक करता है, टूट रहा है। मोदी जी कहते हैं तेरा छप्पर लीक कर रहा है, तेरा छप्पर टूट रहा है, चल इसका छप्पर ही हटा दो, तुम्हारे को आकाश दिखाई देगा, रात को तारे दिखाई देंगे, आजादी मिलेगी। किसान कहता है मोदी जी इतना बावला ना हो, इतना पागल ना है, हमें छप्पर चाहिए अपने सर के ऊपर। पहली बंदी मंडी बंदी,
दूसरी बंदी अगर मंडी बंद होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, सरकारी रेट की खरीद बंद होगी, MSP बंद होगी दूसरी बंदी। तीसरी बंदी हमारे मजदूर भाइयों के लिए, बोला आपने खेत मजदूरों की बात बहुत अच्छा कहा, खेत मजदूर और किसान का हित जुड़ा हुआ है। तीसरी बंदी राशन की दुकान की बंदी होगी, अगर मंडी बंद होगी किसान की खरीद नहीं होगी गेहूं चावल की तो राशन की दुकान में कुछ नहीं मिलेगा, तीसरी बंदी। चौथी बंदी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लंबे लंबे अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट में किसान की किस्मत की बंदी। और पांचवी बंदी होगी जो सरकार किसानों के लिए कानून लेके आई है, जमाबंदी और जमाखोरी और कालाबाजारी पे कोई रोक टोक जो थी वो रोक टोक पे भी बंद हो गई, पांचवी बंदी। और छठी बंदी कौन सी, बिजली जो हरियाणा के किसान को सस्ती मिलती है, पंजाब के किसान को फ्री मिलती है, उसको बंद करेंगे मोदी जी, छह बंद। लेकिन ये छह बंदी करके भी हमारे मोदी जी का पेट ना भरा, के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार पहुंचा के ही मानेंगे। जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, मंत्र पर एक धरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से वहां आके धरना देना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी, उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा, जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। किसान पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, बाकी जगहों से छोटा छोटा सांकेतिक जत्था बाकी सब इलाकों से आएगा, तमिलनाडु से भी आएगा, पूर्वोत्तर आसाम से भी आएगा। पूरे देश के किसान इन तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ इस सरकार को अपना सबक बताएंगे और आर पार की लड़ाई में इन कानूनों को वापस करवा कर ही उठेंगे। ठीक।